आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। नौकरी के नाम पर बिहार में अय्याशी गैंग कंपनी बनाकर 200 लड़कियों से रेप से लेकर एवार्सन तक के इल्जाम। बिहार में अय्याशी गैंग की करतूत, महिलाओं को बनाया हवस का शिकार, कंपनी खोलकर महिलाओं का शोषण। ये कहानी आपको हैरान कर देगी, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बिहार में ऐसा हुआ, ये किसी विदेश के सीरियल रेपिस्ट की कहानी नहीं, ये नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण करने का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। नौकरी देने का लालच देकर महिलाओं को शिकार बनाया गया है। एक दो महिलाएं नहीं, 200 महिलाओं के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर में हुई ये घटना आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि बिहार में नौकरी मांगने गई आपके घर की बहू बेटी सुरक्षित वापस लौटेगी या नहीं। नौकरी के नाम पर बुने उस जाल का शिकार होकर रह जाएगी। वहाँ से निकलने के बाद वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगी, उसे खुद से नफरत हो जाएगी। मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके का है, जहाँ 180 लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर बंधक बनाया गया। उनके साथ मारपीट की गई और साथ ही उनका यौन शोषण भी किया गया। ये घटना ऐसी है कि इसके बारे में सोचते ही बालिका गृह कांड की याद आ जाती है। बालिका गृह कांड पर भक्षक नाम की एक फिल्म का भी निर्माण हो चुका है। पूरे प्रकरण को लेकर छपरा की एक पीड़िता ने अहियापुर थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया कि फेसबुक पर महिलाओं के लिए जावा पर के पोस्ट के माध्यम से वह डीवीआर संस्था से जुड़ी, जहां अप्लाई करने पर चयन होने के बाद प्रशिक्षण के नाम 20,000 रुपए की मांग की गई। उसने बताया कि पैसा जमा करने के बाद बहुत सारी लड़कियों के साथ अहियापुर थाना क्षेत्र में ही बकरी के निकट रखा गया। लगभग 3 महीना तक गुजर जाने के बाद भी जब सैलरी नहीं मिली तो उसने संस्था के CMD तिलक सिंह के समक्ष अपनी बात रखी। तब उसे ये बताया गया कि 50 और लड़कियों को संस्था से जोड़ने पर उसकी सैलरी 50,000 कर दी जाएगी। पीड़िता के मुताबिक जब उसने बताया कि वह 50 और लोगों को जोड़ने में असमर्थ है तो उस पर दबाव बनाया गया और उसके मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट के हिसाब से लोगों को जोड़ने की नसीहत दी गई। उसने बताया कि तब तक वह कंपनी की असलियत से वाकिफ नहीं थी और पैसे के लालच में अपने मोबाइल के कॉन्टेक्ट लिस्ट के हिसाब से लोगों को कंपनी से जोड़ना शुरू किया। इसी बीच अहियापुर स्थित संस्था के कथित दफ्तर और हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी हुई। वहां से बहुत सी लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया भी, लेकिन छापेमारी की भनक मिल जाने से CMD तिलक सिंह ने उसे और अन्य लोगों को हाजीपुर शिफ्ट करा दिया, जहाँ उसके साथ जबरदस्ती तिलक सिंह ने विवाह कर लिया। पीड़िता का कहना है कि मुजफ्फरपुर रहते हुए भी तिलक सिंह ने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाया था। उस दौरान वह गर्भवती हुई थी, उसके बाद जबरदस्ती उसका अवार्सन करा दिया गया। उसने बताया कि हाजीपुर में रहते हुए जब जब मायके जाने की जिद की तो उसे जबरदस्ती मारपीट कर चुप करा दिया जाता था। बाद में एक बार तिलक सिंह ने अपने सहयोगियों संग 3 गाड़ी से आया और बैरिया क्षेत्र में 200 रुपये का नोट देकर नसीहत दी, तुम मायके जाना चाहती हो तो आज़ाद हो जाओ। इस बीच कंपनी के फर्जी होने का उसे एहसास हो गया था। पीड़िता ने कंपनी के फर्जीवाड़े को समझते ही प्राथमिकी दर्ज कराने की सोची। उसका कहना है कि यहाँ लड़कियों को बंधक बना लिया जाता है, चारों तरफ मुस्टंडों को तैनात रखा जाता है, कोई भी लड़की भाग नहीं पाती है। उनसे फ़ोन करवाकर लड़कियों के रिश्तेदारों में मौजूद युवतियों को बुलाया जाता है, उन्हें भी जाब का लालच देकर उनका यौन शोषण किया जाता है। देखा इस वायरल वीडियो में। हाँ सर, फेसबुक के माध्यम से तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफर है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकते हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक, और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था। एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1,000 लोग वहाँ पे था।
और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था, कुछ था ही नहीं वहाँ पे, बस वहाँ पे कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर ढाई से तीन मंथ हुआ मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी का CMD जिसको बोला जाता है, वो और तिलक में मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है, 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया हर एक चीज़, और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग, और मुझे भी पैसा कमाना था तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है, तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया, शादी के झांसा देखिए, मुझे शादी के झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर अयरपुर में मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा, और जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर, वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ जबरदस्ती शादी करवाया। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।